गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीवी फैमिली ब्लॉग। कैसे आप लोग? देखो पंखा ऑन किया हुआ है इसलिए आवाज़ आ रही है। देखो तो गर्मी बहुत है इसलिए पंखा ऑन करना पड़ा। तो मैंने शाम को बाज़ार गए थे, बाज़ार जाके कुछ भी नहीं है घर पे, सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई है। तो बाज़ार जाके मैंने सब्ज़ी लेके आया। सुबह जाना था लेकिन सुबह मेरे फ्रेंड ने जाने के लिए बोला था मुझे, तो इस टाइम जा नहीं पाया। मेरे घर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं इसलिए सुबह सुबह तो काम होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जा नहीं पाया। तो अभी शाम को बाज़ार जाके मैंने है ना ये दोनों खाना नहीं खाया। सब्ज़ी अच्छा नहीं है, घर के खाना नहीं है इसलिए मच्छी लाया है। मच्छी तो वैसे तो पसंद नहीं है ये दोनों, लेकिन फिर भी जो काटा नहीं है ना, बिना जो काटा की क्या बोलते से जो मच्छी एक मच्छी होती है ना काटा नहीं है वो खाती है दोनों, तो वो लेकर आया। वो तो अभी बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो पता नहीं यहाँ से है ना बिल्ली आती है, जो मीट मच्छी बनाते हैं ना तो बिल्ली ऐसे स्मेल करके आ जाते हैं, पता नहीं कैसे पता चल जाता है। तो मैंने यहाँ पे है ना फ्राई कर रहे थी अभी। और जो है ये दाल के लिए जो हो जाएगी ये, तो ये है ना हम काशी मसाला बोलते ऐसे काशी मसाला पत्ता बोलते हैं, तो आप लोग पता नहीं खाते हैं या नहीं। तो ऐसे निकॉ बहुत क्या काशी मसाला है ना, तो हम मक्खन ठोक दे बोल पाए मौसम जब हम जिन्हें दे है क्या बचाना है। तो मैं बैगन की छत बनाएंगी, ये बैगन है बैगन की छत बनाऊंगी। मैंने ऐसे बड़ा बड़ा सा इसके करके काट दिया है, ये है ना जल्दी बॉल हो जाते हैं। हमारे घर पे भी ऐसे है, मेरे साथ लगाते हैं तो बहुत अच्छा ये इतनी जल्दी पक जाते हैं ना, नरम हो जाते हैं बिल्कुल। तो आज तो मेरे मिक्सर में मसाला है ना पेस्ट नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी ये है ना क्या बोलते हैं चौपड़ बोलते हैं, चौपड़ में करूँगी। तो बस अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग जरूर देखना, मैंने आज वीडियो बना नहीं पाया बाहर, सेम वही बात पकड़ने वाला वीडियो बनाने वाला नहीं है इसलिए सेम ये बात। तो आप लोग शायद रोज़ सुना अच्छा नहीं लगता होंगे, तो क्या करें। तो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है मेरी बेटी, तो मोबाइल से जो आंसर दिया है ना अभी कोरोना के टाइम से मिस लोग है ना आंसर मिस लोग आंसर दे देते हैं मोबाइल में, तो अभी तो आंसर नहीं दे रहे लेकिन वो खुद आंसर मतलब निकलना पड़ते हैं बुक में और नेट में सर्च करके आंसर निकालना पड़ता है। देखो अरे सॉरी मोबाइल से देख कर वो आंसर निकल रही है, आंसर लिख रही है क्या हो गया। तो बहुत बड़ा सॉरी मैंने टेबल बहुत क्लीन किया था लेकिन अभी देखो ये लड़की फिर से गंदा कर लिया है। तो गाइस अभी खाना बनाती है मैं अभी है ना खाना बनाते हैं, अभी मेरे मच्छी है ना फ्राई हो गई है यहाँ पे और भी बाकी है अभी फ्राई करना है ये। देखो गाइस मैंने आज है ना बहुत सारे कपड़े धोए, कितने सारे कपड़े हैं अभी फुल करना है ये। मैंने यहाँ पे लेट डे थे, यहाँ पे एक लड़की को ड्यूटी करना पड़ता है मैं सामने बैठ के, तो ज़्यादा बैठने से कमर में दर्द होता है इसलिए मैं लेट डे थे, एक पिलो ले के यहाँ पे एक कंबल बिछा के मैंने लेट डे थे, तो यहाँ पे मैंने कपड़ा रख दिया है अभी। तो अभी मैंने किया था दम दिया तेल में, देखो तो अभी ये है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे मैंने चौपड़ में मैंने ये कटोबस किया है,
मिक्सर में पेस्ट नहीं किया आज, ऐसे ही बनाएंगे। ये भी बहुत टेस्टी होते हैं ऐसे बनाने में। तो टमाटो बाबरा यहाँ पे काट के रख दिया है, चीज भी फ्राई हो गई है, बैगन के साथ बनाएंगे। तो गैस देते रहना। तो देखो गैस, मैंने बैगन है ना डाल दिया है यहाँ पे, अभी बना रही है, चीज डाल दिया है यहाँ पे, छोटा है ना काना इसलिए पूरा बढ़ गई है। ये देखो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे फीस तीन रखा है, एक एक हम तीनों हैं। तो का तीनों पसंद है, या मेरे दोनों बेटे फ्राई ज़्यादा पसंद है इसलिए रख दिया है हम तीनों के लिए एक एक। तो देखो अभी बनने वाली है मेरी फीस करी। तो गाइस अभी खाना खाते हैं, एक ही एक ही डिश बनाया है, फिश और बैगन के साथ बनाया है और फ्राई एक एक है, फिश फ्राई किया हुआ है। हाँ मेरे बेटी के लिए, दोनों के लिए है। तो अभी थोड़ा सा खाना खाते हैं गाइस, टेस्टी लग रहा है, कैसा लग रहा है अभी खा के टेस्टी लग रहा है। धनिया पत्ता भी दिया है ना, अरे सॉरी धनिया पत्ता नहीं, क्या बोलते हैं काशी मसाला पत्ता, हम काशी मसाला, अरे पता नहीं चलेगा इन लोग को, काशी मसाला पत्ता बोलते हैं। काशी मसाला वाली वो सामान मार के ठोका तेरे ने आ मारे ठोक सुका भाई, मोटो मोटो मुंग तो हम खान तो कैसे सामान। तो मैं जैसा आगे ना कुछ गाय उधर ना उधर ना लेके आना। तो गाइस खाना खा लिया है अभी, काम मेरे पूरा काम अभी कंप्लीट हो गई है। मैंने गैस चूल्हा भी पूरा क्लीन कर लिया, बर्तन भी क्लीन कर लिया है, खाना पीना सब हो गया, ब्रश भी कर लिया, मुँह भी धो लिया। तो बस सोना है अभी, कल जल्दी उठना है, कल मेरी दोनों बेटी का स्कूल है, छोटी बेटी का भी स्कूल है, उनके भी कॉलेज में हाँ एलाज एग्जाम है कल उनके भी एग्जाम। तो सब कुछ हो गया है। तो है ना मैं बैगन नहीं खाती, ब्रिंजल नहीं खाती इसलिए, क्योंकि मेरे है ना ऐसे टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल पता ही होगा आप लोग, सुना ही होगा। तो टॉन्सिल है ना ऐसे जो क्या बोलते हैं, जो खुजली, जो कोई भी चीज़ ऐसे खाते हैं ना खुजली होते हैं ना, जो ऐसे बैगन कोचो और क्या क्या है बहुत ऐसे सारे होते हैं, तो वो खाने से मेरी टॉन्सिल है ना ऐसे फूल जाती है, तो गले में ऐसे लग रहा है, मतलब खाना अटक रही है, गली में अटक रही है ऐसा लग रहा है, तो इसलिए नहीं खाती हूँ। तो अभी आज बैगन खाया है, ब्रिंजल खाया है, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल मन, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है गले में, ऐसे हाँ तकलीफ सब हो रही है, तो ऐसे नाक भी देखो साइनस प्रॉब्लम हो रही है बैगन खाने से और भी। तो खा लिया। तो आप लोग पता नहीं हमारी वीडियो क्यों क्यों देख नहीं रहे आप लोग, शायद अच्छा नहीं लगते होंगे या क्या है पता नहीं, बुरी लगता होगा। तो दूसरे के ब्लॉग में भी मैं देखती हूँ, तो मेरी ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जैसी हाउस वाइफ लोग के ब्लॉग में देखती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो उन लोग की तो बहुत देखती है। तो हमारे यहाँ के लोग भी हम लोग को बोलते हैं हिंदी से ब्लॉग बनाती हो, इसलिए शायद नहीं देखते होंगे, तो हिंदी वाला लोग भी बोलते होंगे ये तो नॉर्थ ईस्ट का है, तो हम तो ना उधर का ना इधर का बीच में रह गया, फिर भी मैं बनाती रहूँगी। कोई कोई ऐसे जल्दी फेमस हो जाते हैं, जल्दी मतलब ऐसे सक्सेस हो जाते हैं, तो मैं तो मेरे तो नहीं होने वाला है, तो किस्मत वाले को होती है जल्दी, तो मैं वेट करूँगी कितने साल में मैं सक्सेस मिलती है, छोड़ूँगी तो नहीं, दो साल या तीन साल या चार साल तक मैं वेट करूँगी। तो कोई कोई तो ऐसे दो महीने तीन महीने में भी हो जाते हैं जल्दी, तो ऐसे कोई घर में यूट्यूबर मतलब होते हैं, फेमस यूट्यूबर होते हैं ना, तो उनके घर में है ना कोई भी रिश्तेदार या भाई बहन भी एक दूसरा चैनल खोल देते हैं ना, तो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। तो मेरी खानदान में तो कोई भी यूट्यूबर नहीं है, मैं हूँ खास, तो इसलिए मेरी तो होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, करती रहूँगी मैं। तो आप लोग की हेल्प चाहिए बस, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा, थोड़ा हेल्प कीजिएगा, मैं करती हूँ मेरी जितनी हो सके, मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को अच्छे से वीडियो बना के दिखाओ, अच्छे से एंटरटेन करो। लेकिन आप लोग भी पता ही होगा एक हाउस वाइफ के घर पे कितनी काम सारे काम होते हैं, जितने भी करो फिर भी काम ख़त्म भी नहीं होता, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो हेल्प कीजिएगा प्लीज़, आप लोग मेरी वीडियो को जरूर देखना।
और वीडियो का अच्छा लगे तो देर सारे शेयर करना, सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तो गुड नाइट सबको, बाय बाय।